दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष कुछ जानकारियां लेकर के। आज हम बात करेंगे कि दो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसमें कामगार भी है और पूजा पाठ करने वाला एक पुंजारी भी है जो तस्वीर में दिख रहा है। इन्हीं पर बात होगी कि कौन कामगार महान है या पुंजारी महान है, कौन नीच है, इस पर चर्चा हम करेंगे। इससे पहले आपसे आग्रह है, अगर आप पहली बार चैनल पर न्यूज़ देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ सर्वप्रथम मिलती रहे। और पहले से जो सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना का अपडेट लेटेस्ट जान लीजिए, 5,29,577 मामले इस समय हो चुके हैं। अगर मरने वाले की बात करें तो 16,103 लोगों की मौत हो चुकी है और रिकवर हुए हैं, मतलब अच्छे ठीक होकर के घर जा चुके हैं, 3,10,146 लोग ठीक होकर के घर जा चुके हैं। दोस्तों ये रही खबर कोरोना की। अब आते हैं अपने लेटेस्ट अपडेट की तरफ, जो जिसके लिए हम उपस्थित हुए हैं, जो बताने का हमारा प्रयास है। दोस्तों भारत में देवता, संत और महान बनने का आधार क्या है? कुल्हाड़ी से माँ की गर्दन काटने वाला महान है या कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने वाला नीच? ये धारणा आपने नहीं बनाई है, लेकिन इस संकल्पना को बदलने के लिए आपने कुछ नहीं किया, समझने की ज़रूरत है। दोस्तों इससे अच्छी तरह समझेंगे तभी जान पाएंगे कहने का तात्पर्य क्या है। राक्षस, दानव, सम्राट महिषासुर सम्राट रावण, बौद्ध भिक्षु शंभु की हत्या करने वालों को ब्राह्मणों ने देवता बना दिया। तपस्या, ज्ञान, त्याग, बलात्कार, आध्यात्मिक पूजा अर्चना, जातीय भेदभाव, हिंसा करने वाले ब्राह्मणों को ब्राह्मणों ने श्रेष्ठ और पूजनीय घोषित कर दिया। समानता, बंधुता, संतुता, स्वतंत्रता को कुचल कर जातीय भेदभाव, हिंसा करने वाले राजाओं को महान बनाया। गले में हंडी, कमर में झाड़ू बांधने को मजबूर करने वाला शासक को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। लोक कल्याणकारी राजा शिवाजी और साहूजी महाराज को मराठा राजा तक सीमित कर दिया। स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता के लिए आंदोलन करने वाले क्रांतिकारी महापुरुषों को दलितों का नेता बना दिया गया। जातवादी बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य नेता और सामंतवादी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर दलितों के नेता कैसे? क्या 2% ब्राह्मण तय करेंगे कौन सा काम श्रेष्ठ है, कौन सा काम नीच है, कौन लोकमान्य है, कौन वीर है, कौन पंडित है, कौन देश का राष्ट्रपिता है? मेरे नज़र में पूजा अर्चना करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है। इनके बिना दुनिया चल सकती है। किसान, दस्तकार, मजदूर, कारीगर, सफाई कर्मी श्रेष्ठ हैं। इन्हें नीच कहने वाला नीच है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने अपने वक्तव्य में कहा है, दोस्तों जब शिकागो में धर्म सम्मेलन था, उस धर्म सम्मेलन में जब इनको अनुमति मिली स्वामी विवेकानंद को, तो इन्होंने जो बात कही है उस बात को आप जान लें तभी समझ में आएगा। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर भारत के भविष्य का निर्माण करना है तो ब्राह्मणवाद को पैरों तले कुचलना पड़ेगा, तभी भारत के भविष्य का निर्माण हो पाएगा। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि जब तक ये ब्राह्मणवाद नहीं ख़त्म होगा तब तक विकास नहीं हो सकता है। भारत का विकास में ये सब चीज़ें बाधक हैं, इनकी सोच में ही कुछ है, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने ऐसी बात कही है। तो दोस्तों इस बात से कितना सहमत हैं अपनी प्रतिक्रिया दें। जो जानकारी हमने बताई है आपको कितना अच्छी लगी,
कितनी बुरी लगी कमेंट के माध्यम से स्पष्ट करें, और जरा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।